बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोग क्या क्या करेंगे आज? आज हम शंकर भगवान पार्वती माता की पूजा करेंगे, की पूजा करेंगे, उन्हें सिंगार का सामान चढ़ाएंगे, उन्हें सिंगार का सामान चढ़ाएंगे, और माँ और मौसी और नानी के साथ हम लोग मिलके हरतालिका तीज सेलिब्रेट करेंगे। मौसी और नानी के साथ मिलके हम हरतालिका तीज सेलिब्रेट करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलते हैं पूजा के घर में, चलते हैं पूजा के घर में। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन सुहागन व कुआदी कन्या पति की लंबी आयु और मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, अर्थात बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन का उपवास रखती हैं। बुधकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभो 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 शिव महादेव। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती भी इस व्रत को रखने के बाद ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर पाई। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। व्रती इस दिन 16 श्रृंगार करके पूजा करने के बाद कथा पढ़ती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के मौके पर हर साल तीज मनाया जाता है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने बहुत घोर तपस्या करी। उनकी तपस्या को देखकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए, पर माता पार्वती की तपस्या को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने को कहा। माता पार्वती के पिता के पास जाके विवाह का प्रस्ताव सुनाया महर्षि नारद ने कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो गिरिराज बहुत प्रसन्न हुए, परंतु यह बात पार्वती जी को बिल्कुल ना भाई। राजा हिमालय महर्षि नारद के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब ये बात पार्वती जी को पता चलती है तो वह दुखी हो जाती हैं और सारी बातें अपनी सखी से कह देती हैं। जब सखी ने माता पार्वती को पीड़ा में देखा तो वो माता पार्वती को घर से दूर एक जंगल में ले जाती हैं और वहीं पर माता पार्वती अपनी तपस्या शुरू कर देती हैं। माता पार्वती फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वही आराधना में लीन हो जाती हैं। उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करते हुए रात्रि को जागरण भी किया। माता पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वह माता पार्वती को दर्शन दिए। तब भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में उनका वरण कर लिया। तभी से पूरे संसार में पति की लंबी आयु मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत का पूरे विधि विधान से पालन करती हैं। जय माता पार्वती।